नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मौसम में बदलाव होने वाला है या फिर बदलाव हो चुका है, गर्मी के मौसम से सर्दी के मौसम की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे बदलते मौसम में, जब मौसम जब भी बदलता है, चाहे गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है, तो ऐसे मौसम में इसका जो बैड इफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट है, यानी इस बदलते मौसम की वजह से 50-60% से ज्यादा, अगर मैं सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो 80-90% से ज्यादा लोग इसके इफेक्ट में जरूर आते हैं, यानी कि इससे इफेक्टिव जरूर होते हैं। और जब लोग इसकी चपेट में आते हैं तो लोगों के साथ कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं, कौन कौन सी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, बलगम वाली खांसी होना, या नाक से पानी गिरना, छींके आना, हल्का सा फ्लू हो जाना, वायरल फीवर हो जाना, तो ये कॉमन चीजें हैं। जब भी मौसम बदलता है, मौसम में कोई भी चेंज होता है, तो ये सारी की सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो कॉमन चीजें, अगर आप चाहते हैं कि मौसम बदलते टाइम पे, जब भी मौसम बदलता है उस टाइम पे आपके शरीर के अंदर कुछ भी ना हो, ना छींक आए, ना आपको बुखार आए, ना आपको खांसी हो, ना आपके सर में दर्द हो, ना आपको कोल्ड की शिकायत हो, यानी कि आप बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे पहले थे, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, काफी अच्छा रिजल्ट है उसका। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग मौसम बदलने के टाइम पे लगातार 1 महीने तक या फिर कम से कम 15-20 दिन जरूर करें, अगर इतने दिन तक आप इसका इस्तेमाल हर रोज कर लेते हैं तो मौसम जब भी बदले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी मौसम बदले, चाहे गर्मी से सर्दी का मौसम जाए या सर्दी से गर्मी का मौसम आए, आपके शरीर के ऊपर उसका कोई भी बैड इफेक्ट, यानी कि कोई भी उसका जो असर होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 2-3 चीजों की हेल्प से, 2-3 चीजों की मदद से आप वो छोटा सा घरेलू उपाय आप बना के रख सकते हैं और उसको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको आज ही आपको बनाना है और आज ही यूज करना है, नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बना के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक, आपको जब तक उसको चलाना है तब तक आप उसको चला सकते हैं, कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला बनेगा, वो इतना इफेक्टिव है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए दोस्तों, ये जानकारी शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग इस बदलते मौसम की चपेट में आए हुए हैं। कोई घरों में, कोई जॉब पे नहीं जा रहा है, कोई अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, कोई अपने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, कोई जरूरी काम नहीं कर पा रहा है। आप छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एसी के अंदर काम कर रहे हैं और एसी वाले कमरे से सडनली आपको धूप में जाना पड़े, तो ऐसे में आपको गर्म सर्द होने के चांसेस हो जाते हैं, कोल्ड होने के चांस हो जाते हैं, हल्का फ्लू होने के चांस हो जाते हैं, गला खराब होने के चांस हो जाते हैं। और इसके अलावा सेम ऐसे ही अगर आप धूप से अचानक से आप एसी के अंदर जाते हैं, एयर कंडीशन के अंदर जाते हैं, यानी ठंड में जाते हैं, तो सेम इफेक्ट वहां पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस टेम्परेचर के अनुकूल होता है। लेकिन जैसे ही उसको हम दूसरे टेम्परेचर में लेके जाते हैं, हाई या कम में लेके जाते हैं, तो उसके अनुकूल हमारी बॉडी उस टाइम पे ढल नहीं पाती है, और ना ढलने की वजह से ही हमारे शरीर को इतनी इन चीजों का शिकार होना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आज मैं छोटा सा उपाय आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन उपाय है, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ना तो आपको सर्दी लगेगी, ना आपको खांसी जुकाम होगा, ना आपके गले में खराश होगी, ना आपके गले में चुभन होगी, ना दर्द होगा, और इसके अलावा ना आपको फ्लू होगा, इसके अलावा ना आपको किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण होगा। इतने कमाल की चीज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ये काम करना है, आपने 20 से 25 ग्राम काली मिर्च ले लेनी है, 20 से 25 ग्राम काली मिर्च लें। जितनी ग्राम आपने काली मिर्च ली है उतनी ही क्वांटिटी में आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, धागे वाली मिश्री ले लें 20 से 25 ग्राम। अगर 25 ग्राम काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 ग्राम ही आपने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, यानी कि सेम क्वांटिटी में दोनों आपने ले लिया। दोनों को बारीक पीस लेना, इतना बारीक पीस है जैसे मैदा होता है, मैदे के बराबर आपने बारीक पीस के उसका पाउडर कर लेना। पाउडर करने के बाद आपने अब उसको गूंथना है, गूंथना पानी से नहीं है, ना ही दूध से, आपने देसी गाय का घी लेना है, गाय का या भैंस का
लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल, घर का जो निकाला हुआ घी होता है उसके अंदर घी आपको इस तरीके से मिलाना है कि वो गूथे हुए आटे की तरह बन के तैयार हो जाए। उसके बाद आपने उसकी काले चने के बराबर उसकी गोलियां बना लेनी है और उन गोलियों को आपने छांव में सुखा लेना। उसको सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम जरूर लगेगा। 2 से 3 दिन में आप उन गोलियों को सुखाएं, उसके बाद किसी कांच की शीशी में स्टोर करके रख लें। इसका इस्तेमाल आपने कब करना है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन है वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे आज से ही, आज बनाए और 2 दिन बाद सूखने के बाद उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपको किसी भी तरह का संक्रमण नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बॉडी के अंदर जान भी रहेगी और बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है, पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा मौसम में जब गड़बड़ी होती है, तो जब मौसम भी चेंज होता है, अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है, आजकल बारिश का सीजन वैसे भी चल रहा है, तो ऐसे में इम्यूनिटी, जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है उनको भी हल्का सा खांसी जुखाम या बुखार आने की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका सेवन कैसे करना है? जिन लोगों के गले में खराश है, जिनको मौसम की वजह से, मौसम बदलने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ गया, वो इफेक्टेड हो चुके हैं, खांसी हो गई, बुखार हो गया, गला दर्द कर रहा है, नाक बह रही है, छींके आ रही हैं, हल्का सा फ्लू हो गया, तो ऐसे लोग इसका जो इस्तेमाल है इस्तेमाल करें। एक सुबह आपने इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद, एक बार दोपहर में करना, एक बार शाम को करना, एक बार सोते टाइम पे करना, यानी कि 4 बार एक एक गोली आपको अपने अपने मुंह के अंदर डालना है और उसको चूसना है धीरे धीरे। जितनी देर तक चूसेंगे उतना उसका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आप इस्तेमाल करिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज है। ये कमाल की चीज आपको गुरुजी आयुर्वेदा चैनल के माध्यम से यहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो जानकारी को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग, नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आपने लेने का जो तरीका वो इस तरीके से लेनी है, एक सुबह लेनी है खाना खाने के बाद, एक बार दोपहर में ले सकते, एक बार शाम को ले सकते, एक बार सोते टाइम पे लेनी है, 4 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के ऐड करके उसको आप गुनगुना पिए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होगी और रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो आपकी पावरफुल बनेगी, तो आप रोगों से लड़ सकते हैं, आपके शरीर के अंदर कोई रोग एंट्री नहीं करेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन जिन भाइयों बहनों को, जिन माताओं को, जिन बुजुर्गों को बहुत पुरानी से पुरानी खांसी की भी समस्या है, जिनकी खांसी किसी भी चीज से ठीक नहीं हो पा रही है, चाहे वो सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, या फिर अंदर से एकदम से पूरा दर्द करने वाली खांसी जो उठती है, जिससे हमारे पूरे अंदर की अंदर पेट के अंदर जितने भी पार्ट है उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है खांसते टाइम पे, अगर आप ऐसी खांसी से परेशान हैं और बहुत ज्यादा दवाई खा ली आपने, उससे कोई आराम नहीं है, तो आप ये वाली दवाई जो गोलियां मैंने आपको बताई हैं, ये खांसी का रामबाण इलाज है बिल्कुल। आप एक दिन इसका इस्तेमाल करो, एक दिन पहले दिन से इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो खांसी आपकी अनेक तरह की दवाएं खाने से ठीक नहीं हो पा रही थी, वो खांसी आपकी इस दवाई के पहले दिन, यानी एक टैबलेट खाने, एक टैबलेट का इस्तेमाल करने से ही आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए, आप यूज करिए और इसका रिजल्ट अपने सामने खुद देखिए, इतने इतने बेस्ट रिजल्ट वाली, इतनी अच्छी मैंने आपको दवाई बताई है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए। इसके अलावा जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम, यानी कि हल्का सा दमा जिसको बोलते हैं, यानी सांस चढ़ने की समस्या, सांस फूलने की समस्या, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा गुणकारी ये दवाई साबित हो सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो लोग नए आते हैं चैनल पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।